ओम शांति। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा एक एपिसोड हुआ है जो कि नवीनता के बारे में है, कि नया मैं मेरे अंदर सेल्फ चेंज आए और मेरी दुनिया परिवर्तन हो जाए और मेरा दुनिया जो है वो एक नई दुनिया बन जाए मेरे लिए। तो आज का ये जो सेशन था, ये आज हमारा 232-330 हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। आप इसको लाइव राजयोग सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन इसी चैनल पर आप लाइव उसको सेक्शन में जा करके लाइव वीडियोज़ में देख सकते हैं उसको। तो अब हम बात करेंगे परमपिता परमात्मा हमारे लिए क्या चाहते हैं इस नववर्ष में। परमात्मा चाहते हैं कि हम कर्म योग से कर्म भोग को फेस करें। फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको कह सकते हैं कि कर्म योग से हम कर्म भोग को हम ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे कर्म भोग आता है हमारा शरीर के द्वारा आ सकता है कर्म भोग, दूसरा होता है धन के द्वारा कर्म भोग हो सकता है, संबंधों में कर्म भोग आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य हम कहते हैं शरीर के द्वारा। तो इसे परमात्मा कहते हैं कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भवा। विजय प्राप्त करने वाले, डिटैचमेंट हो जाए हमारी, हम आत्मा की डिटैचमेंट फ्रॉम अ कर्म भोग। तो कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है, बल्कि हम उसको डिटैच फील हो जाते हैं। हमने अगर बुद्धि को हटा दी कुछ समय तक तो हमें उस चीज़ की अनुभूति नहीं होती है। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। सपोज़ आप कहीं जा रहे थे एंड आप थोड़ा सा कहीं से आपकी टक्कर होगी किसी से एंड आपको पता नहीं चला, आपने ओके सॉरी कोई बात नहीं, और आप चलना शुरू कर गए। बस आप जैसे घर पहुंचे आपने देखा ना, हाथ में चेक किया, अरे हाथ में कट लगा हुआ था और वहाँ से खून निकल रहा था, आपको पता भी नहीं चला, और आपकी जो शर्ट है वो भी थोड़ी सी हल्की सी। तो उस समय आपका क्योंकि अटेंशन वहाँ से आपने सीधा डाइवर्ट कर दिया आपने, और आप अपने फोकस कर गए कि मेरे को घर पहुँचना है, आपने ड्राइव करना शुरू कर दिया, आप चलना शुरू कर दिया जो भी किया आपने, क्योंकि आपका योग जो था वो समय उस जगह उस स्थिति उस हाथ से नहीं था, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे खून निकल रहा है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में। तो इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में मेरे साथ योग होता है, जैसे हमने घर में पहुँचना है या मेरे को ऑफिस पहुँचना है, हमें कुछ करना है, हमें पता नहीं होता है, उस समय योग लगा होता है बस वहाँ पहुँचना है। हमें भी क्या है, परमात्मा के पास पहुँचना है, परमधाम में हमारा योग लगा है परमात्मा से, इतना लगा हुआ है कि हमें पता ही नहीं चले कि शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है, उसके लिए आपको योग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, मन के रोग की बात हो रही है तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। अगर आपके मन के अंदर रोग नहीं है, मन के अंदर कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाय तौबा नहीं मचा रहे हो मन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप तंदुरुस्त हो। शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान, सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाते जाने का चांस मिलता है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते। विष्णु जी को दिखाया गया है वो शेष शैया पे लेटे हुए हैं और विष्णु जी का जो शरीर है नीला दिखाया गया है। उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन उसमें से एक मीनिंग आज मैं मनन चिंतन कर रहा था, मुझे समझ आया कि नीला मतलब कि शरीर नीला पड़ना मतलब कि जहर, मतलब कि बीमारियाँ। तो विष्णु जी लेटे हुए हैं और नीला शरीर है, मतलब कि आप ये समझिए कि आप अगर बीमार हैं, आप लेटे हुए हैं, आपका शरीर नीला मतलब आपके शरीर के अंदर बीमारियाँ हैं, लेकिन पांच जो विकार हैं वो आपके नीचे दबे हुए हैं। मतलब ना आपको क्रोध आ रहा है इससे, ना आपको अभिमान आ रहा है, ना ईर्ष्या घृणा नफरत, काम क्रोध लोभ अहंकार के और भी बच्चे, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं हो रही हैं। तो ये क्या है, ये कर्म योग की वजह से हो सकता है। तो सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण, आप परमात्मा की बातों को याद कर रहे हो, अपने बुद्धि को और ताकतवर बना रहे हो, डिटैच कर रहे हो अपने आप को मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। तभी विष्णु जी को दिखाते हैं शेष शैया पर सांप है और इसका अंदर सागर में वैसे लेटे हुए हैं, या वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। अब सांप क्षीर सागर में है, इतना बड़ा सांप, और वो डूबे ना, और उसके ऊपर लेटे हुए हैं अपने कौन, विष्णु जी, वेट कितना हो गया। तो आप सोच लीजिए, ये लॉजिकल नहीं है। सागर मतलब कि आप ज्ञान के सागर में जा रहे हो, गहराई में जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, जिस कारण से पांच विकार आपके कंट्रोल में, आपके दबे हुए हैं आपके कंट्रोल में। तो हम जो ज्ञान की बातें करते हैं, परमात्मा की जो मुरली है, उसको हम जब जितना हम मनन चिंतन करते हैं, उतना हम डिटैच हो जाते हैं उस प्रॉब्लम से, उतना हम डिटैच हो जाते हैं उस
इशू से, चाहे वो शरीर का इशू आ रहा हो, धन का इशू आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, और हम जितने हल्के होंगे उतने हमारे मन के अंदर छुपे हुए आंसर्स हमें मिलने शुरू होंगे। तो मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। अब आप बोलेंगे भैया मैं क्या करूँ, मैं सोचते हुए क्या करूँ, मेरा शरीर खराब है, क्या करूँ मैं, क्या सोचूँ मैं, कितना देर सोचूँ? आप जितना समय परमात्मा की बातों को सोचेंगे उतना ही आपके अंदर डिटैचमेंट आएगी। ये प्रैक्टिस है, ये नहीं कि आपको 24 घंटे सोचना है, लेकिन ये करते 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 क्या होगा, एक नेचुरल डिटैचमेंट की फीलिंग आपको आ जाएगी। आप परमात्मा की बातें सोचेंगे, परमात्मा ने मुरली में क्या कहा सोचेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो आप अपने आप को डिटैच करेंगे अपनी इशूज़ से, और ये पॉसिबिलिटी है। और जितना आप डिटैच कर पाएंगे उतनी आपकी जल्दी हीलिंग होनी शुरू होगी। तो ये सबको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी में, आप भी आकर के सीखें इस विद्या को। ओम शांति इसके साथ, और नव वर्ष की शुभकामनाएं फिर से आपको। ओम शांति।